हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुन्ना दास, मैं उड़ीसा से हूँ। आज आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ वो है एक सस्ता ऑसिलोस्कोप कैसे यूज कर सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स में बताऊँगा। यह हंटेक कंपनी का स्कोप है, उसका मॉडल नंबर है हंटेक 6022BE। ये स्कोप पीसी के साथ कनेक्ट होता है। ये डुअल चैनल की स्कोप है। येलो वाला जो देख रहे हैं वो फर्स्ट चैनल होती है और ग्रीन वाला जो सेकेंड चैनल होता है, यानी दो चैनल को आप एक साथ यूज कर सकते हैं। और इसमें एक ग्राउंड पिन दे रखी है और 1 kHz की फ्रीक्वेंसी दिया है आपको फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के लिए। तो इस बॉक्स में एक सॉफ्टवेयर CD दिया है, आपको PC में इंस्टॉल करना है। तो इसमें दो प्रोब दिया है, इस प्रोब को हम इस तरह कनेक्ट करते हैं। इसमें इस तरह कनेक्ट होती है प्रोब। तो इसमें हम पावर देंगे, पावर कोड को इस तरह कनेक्ट करते हैं। इस पावर कोड को हम PC में USB पिन से हम कनेक्ट करेंगे। तो सो फ्रेंड्स, मैंने CD को इंस्टॉल कर चुका हूँ। आप देखिए हंटेक 6022BE नाम से एक एप्लीकेशन आ गया है स्क्रीन पर, तो इसको हम रन करेंगे। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। तो इस तरह विंडो ओपन हो चुका है हमारा। दो लाइंस आ गए है, एक येलो का और एक ग्रीन का। येलो वाला जो फर्स्ट चैनल है और ग्रीन वाला सेकेंड चैनल होती है। तो सबसे पहले उसको हम कैलिब्रेट करना होगा। तो कैलिब्रेट करने से पहले इस स्कोप के सभी कनेक्शन को डिसकनेक्ट करना चाहिए, उसके बाद हम कैलिब्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यूटिलिटी पे जाएंगे, इसमें लिखा है कैलिब्रेट, तो इस ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं। ओके, तो ये कुछ ही सेकेंड से कैलिब्रेशन हो जाएगी। तो कैलिब्रेशन होने के बाद हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह प्रोब कनेक्ट करते हैं। प्रोब में जो ग्राउंड पिन है उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे और एक को 1 kHz फ्रीक्वेंसी पर कनेक्शन करेंगे। तो स्क्रीन पर देखेंगे किस तरह 1 kHz की सिग्नल आते हैं। तो ये होती है हमारा 1 kHz की सिग्नल, उसको हम एडजस्ट करेंगे। ये देखिए जो तिरछा देख रहे हैं आप, उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो किस तरह एडजस्ट करना होगा आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए प्रॉप में एक होल दिया है, इस होल से एक प्रीसेट लगा है, उसको हम एडजस्ट करेंगे प्रीसेटर से। तो जो तिरछा आप देख रहे हैं उसको हम सीधा करेंगे। ये देखिए ये हो गया हमारा, सीधा हो गया। अब ये स्कोप सिग्नल चेक करने के लिए रेडी हो चुका है। तो सो फ्रेंड्स, हम इस बोर्ड में सिग्नल चेक करेंगे, किस तरह सिग्नल को चेक किया जाता है स्कोप में आपको मैं दिखाता हूँ। तो इसको हम 100 वोल्ट पर डिवीजन पर रखते हैं। तो ये देखिए CS सिग्नल बायस पिन नंबर 1 पर है। तो उसके बाद ये दो नंबर पिन होती है डाटा पिन, बायस पिन पर दो नंबर पिन। ये देखिए किस तरह आते हैं डाटा। तो 6 नंबर पिन होती है क्लॉक, ये देखिए क्लॉक किस तरह आती है वो आप देख सकते हैं, ये क्लॉक सिग्नल होती है। तो ये होती है 5 नंबर पिन डाटा पिन, बायोस पिन पे ये देखिए 5 नंबर पिन इस तरह आती है डाटा। उसके बाद हम RGB सिग्नल को देखेंगे, किस तरह RGB सिग्नल होते हैं, 0-0+, 1-1+,
जो सिग्नल 8 GB होते हैं किस तरह आते हैं हम देखेंगे अभी। तो ये देखिए, ये होती है हमारा 0 माइनस सिग्नल, रेड सिग्नल किस तरह माइनस आप देख रहे हैं, नीचे के साइड जो देख रहे हैं नीचे के साइड वो माइनस सिग्नल होती है, वो देखिए ये होती है माइनस। उसके बाद हम प्लस देखेंगे, तो ये होती है हमारा प्लस सिग्नल, 0 प्लस होती है। ये देखिए ऊपर का साइड आप देख रहे हैं वो है प्लस सिग्नल, ओके। तो ये होती है हमारा 1 प्लस सिग्नल ऊपर का साइड, वो सभी प्लस सिग्नल ऊपर का साइड होती है और माइनस सिग्नल नीचे के साइड होती है। ये देखिए 1 माइनस, इस तरह आप सिग्नल को चेक कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आपने देख लिया किस तरह एक छोटी सी ऑसिलोस्कोप की मदद से हम सिग्नल को चेक कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट और लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।